विकार वाले घोड़े। एक संत बाबा कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो आराम करने के लिए रुके, एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वे रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें एक सौदागर मिला जो 5 घोड़ों पर बड़ी बड़ी गठरियाँ लादे हुए जा रहा था। गठरियाँ बहुत भारी थी जिससे घोड़े बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। फकीर ने सौदागर से प्रश्न किया, इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें रखी हैं जिन्हें ये बेचारे घोड़े चल भी नहीं पा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, इनमें इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें भरी हैं, उन्हें बेचने में बाज़ार जा रहा हूँ। फ़कीर ने पूछा, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़रा मैं भी तो जानूँ। सौदागर ने कहा, यह जो पहला घोड़ा आप देख रहे हैं इस पर अत्याचार की गठरी लदी है। फ़कीर ने पूछा, भला अत्याचार कौन खरीदेगा? सौदागर ने कहा, इसके खरीदार हैं राजा महाराजा और सत्ताधारी लोग, काफ़ी ऊंची दर पर बिक्री होती है इसकी। फ़कीर ने पूछा, इस दूसरी गठरी में क्या है? सौदागर बोला, यह गठरी अहंकार से लबालब भरी है और इसके खरीदार हैं पंडित और विद्वान। तीसरे घोड़े पर ईर्ष्या की गठरी लदी है और इसके ग्राहक हैं वे धनवान लोग जो एक दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसे खरीदने के लिए तो लोगों का तांता लगा रहता है। फकीर ने पूछा, अच्छा चौथी गठरी में क्या है भाई? सौदागर ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाज़ार में धोखे से की गई बिक्री से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बाज़ार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। फ़कीर ने पूछा, अंतिम घोड़े पर क्या लदा है? सौदागर ने जवाब दिया, इस घोड़े में छल कपट से भरी गठरी रखी है और इसकी मांग उन औरतों में ज़्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है, जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करती रहती हैं, वे ही इसकी खरीदार हैं। तभी महात्मा की नींद खुल गई। इस सपने में उनके कई प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया। सही अर्थों में कहें तो वह सौदागर स्वयं शैतान था जो संसार में बुराइयां फैला रहा था और उसके शिकार कमज़ोर मानसिकता के स्वार्थी लोग बनते हैं। शैतान का शिकार बनने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि ईश्वर पर सच्ची आस्था रखते हुए अपने मन को ईश्वर का अंतिम मंदिर बनाने का प्रयत्न किया जाए। ईश्वर को इससे मतलब नहीं है कि कौन मंदिर गया या किसने कितने वक्त तक पूजा की, पर उन्हें इससे अवश्य मतलब है कि किसने अपने किन अवगुणों का त्याग करके किन गुणों का अपने जीवन में समावेश किया और उनके रचे संसार को अपने गुणों से कितना सजाया संवारा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।